ओके सर। प्रे करें यार। उनके साथ श्री सुधाशु जी चेतन की काया हूँ, मन इंद्रिय और तीन शरीर में ब्रह्म के बीच समाया, मेरा दर्शन सुन पदक अर्जित किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सुरेंद्र कुमार, जोरदार तालियां हो जाए कुमारी नैन्सी के लिए, हो जाए मंदीप जी के लिए। काम वो करती है उसको भी यहाँ पर मंच के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। कई हमारे एनसीसी के जो कैडर के युवा साथी हैं वो भी अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, और कहीं पर योगा के माध्यम से एक संदेश देने का काम भी हमारे युवा साथी कर रहे हैं, और कहीं गेम्स हो रही है, गेम्स के माध्यम से ये जो रागिरी का कार्यक्रम है ये अनेकता में एकता को समोए हुए, और हम सब एक मंच के ऊपर एक स्थान के ऊपर इकट्ठे होकर के इन सब जो आइटम्स हैं इन आइटम्स का लुत्फ उठाने का हम काम करते हैं, और कुछ हमारे युवा साथी उसको दिखाने का काम करते हैं। मैं आप सबको इस राहगिरी के कार्यक्रम पे एक निर्णय भी लिया है। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया, और उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को उन्होंने शुरू किया। और मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा कि जो वायु पोल्यूशन हो रहा है, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर का मेन कारण कि हम पेड़ कम लगा रहे हैं और उसके एवज में हमने पेड़ों की कटाई ज्यादा की है। अगर हम देखते हैं यहां से हम 100 किलोमीटर की दूरी पे अगर हिमाचल में जाते हैं तो वहां इतने पेड़ लगे होते हैं कि एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यहाँ जो पेड़ का कटान ज्यादा हुआ है उसके कारण से लगातार ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन एक संकल्प लिया है कि हम सब ने एक पेड़ लगाना है, और हरियाणा के अंदर जब 75वां वन महोत्सव अभी हमने करनाल के अंदर किया, एक संकल्प लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का हमने ये संकल्प लिया है, और इसके अंदर हम सब उसमें सहभागी बने। हमारे जो सीनियर सिटीजन है, एनजीओज है, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, अन्य हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो सब आगे आकर के एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें। हमने इसकी परवरिश के लिए
वन मित्रों की घोषणा की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 ये वन मित्र ये काम करेंगे, ताकि पौधे को लगाना, पौधे को लगा करके उसकी परवरिश भी करना, ये हमने संकल्प लिया है। और हमारे वन मित्र जो भी पौधा लगाएंगे उस पौधे की परवरिश करेंगे और उसको 20 रुपए पौधे के हिसाब से देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ जो हमारे एनजीओ हैं, जो हमारे अन्य संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, या कोई हमारा परिवार के अंदर कोई फंक्शन होता है, किसी बच्चे का बर्थडे है, हमारे बुजुर्ग का बर्थडे है, या उसका कोई दिवस है, उस अवसर के ऊपर भी हम संकल्प लेकर के पौधा लगाने का काम करें। और ये पौधा हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और हमने ये निर्णय भी किया है कि जो ये पौधे जो संस्थाएं या अन्य और एनजीओ लगाएंगी, जो पौधा वो लगाएंगी और उसको वन मित्र को सौंपेगी, तो वन मित्र उसकी प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करेगा, उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम देने का काम करेंगे, ताकि वो उसकी रक्षा सुरक्षा करे। मैं आज आप सबको इस राहगिरी के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे युवा साथी जो स्कूलों से इतनी भारी संख्या में एक मेले के तौर के ऊपर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सब से अपील करूँगा, आप सब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप पढ़ें और नशों से दूर रहें। इस राहगिरी के अंदर इस बात को लेकर के भी युवाओं को अवेयर किया जाता है कि वो नशे की तरफ ना बढ़े, नशे से दूर रहे, और नशे से दूर रहेंगे इस राहगिरी के अंदर, क्योंकि ये तो आज यहाँ पर मैं आया हूँ, परंतु मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि ये राहगिरी हर संडे ये होनी चाहिए, इससे हमारा स्वस्थ भी ठीक रहता है। ऊपर सभी लोगों को इकट्ठा मिलने का अवसर होता है, आपस में प्रेम भाईचारा भी बढ़ता है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का, हमारे पंकज नैन जी इसमें लगे हुए हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, और सभी हमारे जो स्टूडेंट्स और जो कुरुक्षेत्र के नागरिक जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, हजारों की संख्या में आज निकल करके इस राहगिरी कार्यक्रम के अंदर आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि यहां पर अलग अलग बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाए, कहीं साइकिलिंग का कार्यक्रम था और कहीं पर रस्सा कसी का कार्यक्रम था, कहीं पर फुटबॉल का कार्यक्रम, उन्होंने गेम का कार्यक्रम दिखाया, कहीं हमारे बच्चे योगा कर रहे थे और कहीं हमारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, कहीं हमारे बच्चे कुछ हर गेम के अंदर हिस्सा लेकर के उसका प्रदर्शन करने का काम वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर रहे थे। इससे जो हमारे और बच्चे हैं उनके अंदर भी भावना ये इस प्रकार की जागती है और हमारा युवा नशे से दूर होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम, जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं, ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो एनजीओज की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम हैं यहाँ, राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का, पौधा देने का काम भी हुआ है, हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी सूट होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो,
उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। हमने वन मित्र भी उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं प्रदेश के अंदर, और वन मित्र जो पौधे लगाएंगे उनको एक पौधे का हम 20 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारी NGO जो हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं या अन्य सीनियर लोग हैं या किसी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर, बच्चे के जन्मदिवस, विवाह शादी की वर्षगांठ के ऊपर या बुजुर्गों के दिवस के अवसर के ऊपर पौधा लगाएंगे, तो अगर वो वन मित्र उसकी देख रेख करेंगे तो उनको भी 10 रुपये उसका देने का काम वो करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि हम जो हमारा माता जन्म देने वाली, जो हमारी माँ जन्म देने वाली है, हम उसकी देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से हम जो हमारी माँ ये भारत माता जो हमारा पालन पोषण करने वाली है, इसको भी हम सुरक्षित रखें, इसको भी हम ठीक रखें, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पौधे लगाएं, ये संकल्प लें, ताकि वातावरण, ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इससे राहत मिले और वायु भी शुद्ध हो। इसके लिए आज ये राहगिरी का कार्यक्रम, इसमें अलग अलग जो बच्चों ने या समाज के लोगों ने या संस्थाओं ने अलग अलग अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया है, मैं सभी को बहुत बहुत